ये अब स्टार्ट हो रहा है कलर कहार सॉल्ट रेंज का जो एरिया कहलाता है, और यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है अपहिल। पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, लास्ट टूर अगस्त में जो हमने रेबो वाला करा था उसमें हमने आपको कलर कहार लेक भी दिखाई थी और तख्ते बाबरी भी आपको दिखाया था। इसी के साथ जा रही है यार मजे से ऑल्टो, माशाल्लाह बेहतरीन, जिसे कहते हैं कि आउट परफॉर्म कर रही है, फिफ्थ गियर में है। ये मैंने फोर्थ इसका कर दिया, तो कलर कहार का ये वाइंडिंग रोड्स हैं, 75-80 चढ़ रही है। हाँ बस वो देख रहे हैं मोटरवे वाले ना बैठे हो भाई जी, इधर बाज दफ़ा अपील भी कैमरा लगा के बैठ जाते हैं, कहते हैं 40 से ऊपर क्यों, वो कुछ ज़्यादा ही इन्होंने की स्पीड कम करा दी है, बजाय इसके कि अपनी रोड को सही करें। आपकी जो रोड है भाई इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, जो आपने टर्न्स बनाए हैं उनमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके नहीं टर्न बनाए हैं, तो गलती आपकी है, ना अहली आपकी है, जिसको खमियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ता है। गाड़ियां रोल ओवर होती हैं, ट्रक्स बसेस ओवरटर्न करते, फिर पब्लिक को कहते हैं कि जी 40 किलोमीटर पर आर से ऊपर ना जाए इस पे। तो बेसिक आप अपनी रोड को तो सही करें। दुनिया में जो टर्न्स बनते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को देखा जाता है, आपके इधर बहुत से टर्न ऐसे हैं कि जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही है, तो गाड़ी तो वहाँ पे रोल ओवर करनी ही करनी है ना। अभी ये टर्न इसको देख लो आप, ये जिस तरफ गाड़ी जा रही है इस तरफ जा रहा है ये, चल रहा था कि भाई क्या चढ़ाई आई क्या नहीं आई, जबकि नॉर्मल मोड में थी वो, इको में ही थी शायद जी। या मैंने में भी शायद नॉर्मल में करी थी, एक दो जगह पावर में की थी तो गाड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे उतार उतर रहे हो। हाँ रेवो का ये है, रेवो का इंजन जबरदस्त है भाई, जो उसमें बात है यानी जो हमें मजा आपको डीमैक्स में नहीं आता, जो डीमैक्स का जो आप ये बोले कि डीमैक्स वैसे तो कंफर्ट वाइज सस्पेंशन वाइज रेवो से बहुत अच्छी है, लेकिन जो उसका पॉइंट जो रेवो को आगे निकालते हैं वो है इंजन, रेवो का 1GT जो इंजन है। उसका मजा, उसकी पावर टॉर्क अलग ही है 1GT की। डीमैक्स का जो इंटीरियर है डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा आउटडेटेड टाइप है, मजा देती है। 8-10 मिनट की बनती है, अब यहां से देखना आगे बड़ा खूबसूरत व्यू आएगा, ये ब्रिज वगैरह ऐसे दिखते हैं।
कारीगरी मत दिखा देना वीडियो में। अच्छी है, थोड़ा जूम पे अच्छी आ रही है। बड़े इंजन है ना भाई। हाँ तो 660 सीसी यहाँ तो आके आपको थोड़ा बहुत बताएगी ना कि यार मैं 660 कराची से आपको माशाल्लाह बेहतरीन लाई, कहीं तो वो 660 बताएगी ना कि भाई 660 सीसी इंजन है। अब बाकी वही बात है कि गियर डाउन करके मैं इसको अभी खींचूं तो फायदा क्या, कौन सा इनाम मिलना है, फिर भागेगी, थर्ड में करूंगा तो भागेगी। हायर आरपीएम्स में जाएगी। ऐसे बम्स हैं, बम्स बने हैं। टोल पूरा लेते हैं और टोल बढ़ाए जा रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं होती प्रॉपर कि जी ये बम्स आ रहे हैं, ये कितने खतरनाक है। कोई आपका वैसे बात नहीं तो जहन में ये होता है यार मैं मोटरवे पे ड्राइव कर रहा हूँ, टोल के साथ मोटरवे पे बम्स बढ़ते जा रहे हैं। मेंटेनेंस पर भी तो लगाओ ना भाई पैसा, टोल आप बढ़ा रहे हो। जब शुरू में मोटरवे बनी थी बड़ी जबरदस्त थी ये, उसके बाद बस होते 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 बेड़ा गरक से बेड़ा गरक। और उस वक्त टोल भी बड़ा कम था, अब ये बोलेंगे जी पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। मोटरवे तो आपकी अपनी जगह जमीन पर रखी हुई है, इतनी गाड़ियां डेली आ रही हैं जा रही हैं, करोड़ों रुपए आप इससे जिसे कहते हैं रोज का आप टोल आप कमा रहे हो, लगा किधर रहे हो। अरे भाई उसने इंडिकेटर दिया ना मैं साइड पर कर ली, वरना से ब्रेक मारना पड़ता। से गुजर के अब हम सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ।